जंगल माइन अब बड़ा सा टाइगर रहता था, नाम था स्ट्राइप्स। स्ट्राइप्स बहुत स्ट्रॉन्ग और फियरलेस था। प्योर जंगल माइन मेरे पावरफुल रोर का डर था। अ सनी मॉर्निंग स्ट्राइप्स को बहुत मजा आ रहा था। उसने सोचा क्यों ना आज स्पीडी के साथ थोड़ी मस्ती की जाए। स्पीडी अब बहुत ही क्लेवर डियर था जो अपनी स्पीड और एजिलिटी के फॉर फेमस था। स्ट्राइप्स स्पीडी के पास गया और उसे देखकर मुस्कुराया। हे स्पीडी, स्ट्राइप्स ने बोला, उसकी आवाज प्योर जंगल में गंज गाई, आज थोड़ा मजा करते हैं। स्पीडी जो हमेशा चैलेंज की फॉर रेडी रहता था, नर्वस हंसी के साथ मान गया। उन दोनों को क्या पता था कि उनकी ये छोटी सी रेस स्ट्रेंथ और विट का अ फनी शोडाउन बन जाएगी। आओ रेस लगाते हैं स्पीडी, स्ट्राइप्स ने बोला, उसकी आवाज प्योर जंगल में गूंज रही थी। जंगल के सभी जानवर इस चैलेंज को सुनने के लिए रुक गए। वो श्योर था कि उसकी स्ट्रॉन्ग लेग्स की वजह से वो रेस इजीली जीत जाएगा। उसने अपने मसल्स को फ्लेक्स किया और कॉन्फिडेंट फील करने लगा। स्पीडी ने आंखों में चमक लिए, चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया। उसने सोचा यह रेस इंटरेस्टिंग होने वाली है। ठीक है स्ट्राइप्स, उसने कहा, लेकिन क्यों ना हम इस रेस को और इंटरेस्टिंग बनाएं। उसने अपनी चालाकी से एक प्लान बनाया। हम विस्परिंग वाटरफॉल के दूसरी तरफ रेस करेंगे, लेकिन जाना पड़ेगा मेज ऑफ थॉर्न्स से होते हुए। डियर ने अपनी स्ट्रेटजी को सोचा और कॉन्फिडेंट फील किया। स्ट्राइप्स अपनी स्ट्रेंथ दिखाने के लिए एक्साइटेड था और झट से मान गया। उसने सोचा यह मेज मेरे लिए कुछ नहीं है। वो मेज में घुसता और अपनी ताकत से थॉर्नी बुशेस को हटाने लगा। उसने अपने क्लॉज और मस्कल्स का पूरा यूज किया, लेकिन थॉर्न्स इतने ज्यादा थे कि वो फ्रस्ट्रेटेड होने लगा। उसकी स्पीड कम हो गई और वो स्ट्रगल करने लगा। दूसरी तरफ स्पीडी अपनी एजिलिटी और मेज की नॉलेज का उसकर रहा था। उसने अपने स्लिम बॉडी और क्विक रिफ्लेक्सेस का पूरा फायदा उठाया। वो थॉर्न्स से आसानी से निकल रहा था। उसका स्लिम बॉडी स्मूथली ऑब्स्टिकल्स से बच रहा था। उसने अपने हर मूव को केयरफुली प्लान किया। स्ट्राइप्स ने एक लास्ट एफर्ट किया और एक बड़े थॉर्नी बुश के ऊपर से ग्रेसफुली जंप किया। उसने सोचा, मैं अब भी जीत सकता हूं। जैसे ही स्ट्राइप्स अबाड़े से थॉर्नी बुश से निकालने की कोशिश कर रहा था, उसने ऊपर देखा और स्पीडी को फिनिश लाइन पर देखा। उसकी आंखों पर विश्वास नॉट हुआ। अ रॉक के ऊपर बैठा हुआ था और स्ट्राइप्स को देखकर मुस्कुरा रहा था। लगता है तुम थॉर्न्स में फैंस गए हो स्ट्राइप्स, वो चकल किया। स्ट्राइप्स पहले तो आउटस्मार्ट होने पर गुस्सा था, लेकिन फिर वो भी मुस्कुरा दिया। स्पीडी की विट और एजिलिटी इंप्रेसिव थी, इवन अस्के फॉर भी। जोरदार से हंसते हुए अपना पिट पाकते हुए वा स्पीडी वा, स्ट्राइप्स ने मान लिया हंसते हुए। यूसे रियलाइज हुआ कि सिर्फ स्ट्रेंथ ही सब कुछ नॉट एग्जिस्ट्स, कभी कभी दिमाग भी उतना ही पावरफुल हो सकता है। उस दिन के बाद से स्ट्राइप्स और स्पीडी बेस्ट फ्रेंड्स बन गए और उनके दिन हंसी और मस्ती में बीतने लगे। अ दिन जब वो दोनों रिवर के पास बैठे थे, स्ट्राइप्स ने स्पीडी से कहा, अरे स्पीडी, डियर लॉग इतने प्योर ड्राइवर्स क्यों होता है। अपनी ए आईब्राउ ऊपर करके उसने भी मजाक में जवाब दिया, पता नॉट स्ट्राइप्स क्यों। नॉटी स्माइल के साथ स्ट्राइप्स ने जवाब दिया, क्योंकि वो हमेशा डियर एल हो जाते हैं। उनकी हंसी से पूरा जंगल गूंज उठा और हर दिन के साथ उनकी फ्रेंडशिप और स्ट्रॉन्ग एग्जिस्ट्स गई। सेक्शन 5, दोस्ती का वादा, दोस्ती का नया सफर। जैसे ही सूरज ढलने लगा और जंगल में एक नई रोशनी छा गई और जंगल में लंबी परछाइयां बनने लगी, हर चीज एक नई रोशनी में दिखने लगी। स्ट्राइप्स और स्पीडी अपने फेवरेट ट्री के नीचे बैठे थे, जहां उन्होंने अपना दिन बिताया था। उन्होंने दिन कहानियां, चुटकुले और भविष्य के लिए अपने सपनों को साझा करते हुए बिताया था। उनकी दोस्ती दिन बाद दिन गहरी होती जा रही थी। पता है स्पीडी, मैंने तुमसे बहुत कुछ सीखा है। तुम्हारी दोस्ती ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। सिर्फ ताकत ही सब कुछ नहीं होती, कभी कभी दोस्ती और समझ भी जरूरी होती है। कभी कभी बुद्धि और चालाकी भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है। तुमने मुझे यह सिखाया है। स्पीडी ने सहमति में सिर हिलाया, उसकी आंखों में एक चमक थी। और मैंने सीखा है कि सबसे मजबूत व्यक्ति भी थोड़ी सी फुर्ती और तेज सोच से लाभ उठा सकता है। तुम्हारी दोस्ती ने मुझे यह सिखाया है। वे दोनों चुप हो गए, लेकिन उनकी आंखों में एक नई चमक थी। एक आरामदायक चुप्पी आपसी सम्मान और समझ से भरी हुई थी। उनकी दोस्ती अब और भी गहरी हो गई थी। उस दिन से उन्होंने हमेशा एक दूसरे के लिए रहने का वादा किया और अपनी दोस्ती को और मजबूत बनाया। उनकी दोस्ती मतभेदों को स्वीकार करने की शक्ति का प्रमाण थी। यह दोस्ती एक मिसाल बन गई थी। सेक्शन 6, द वाइज ओल्ड ट्री, रिस्पेक्ट का पाथ। दिस इज अ स्टोरी दैट हैज बीन पास्ड डाउन थ्रू जनरेशंस।
a tale of wisdom and respect that has shaped the very essence of our jungle. Stripes और Speedy की असामान्य दोस्ती की खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। हर कोने में, हर पेड़ के नीचे जानवर इस अनोखी दोस्ती के बारे में बात कर रहे थे। कई जानवर पहले तो संशय में थे, उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि एक बाघ और एक हिरण दोस्त हो सकते हैं। लेकिन भयानक बाघ और फुर्तीले हिरण को एक साथ हंसते हुए देखकर जल्द ही उनका दिल जीत लिया। उनकी हंसी जंगल में गूंज उठी और धीरे धीरे सभी जानवरों ने इस दोस्ती को स्वीकार कर लिया। एक दिन एक बुद्धिमान बूढ़ा पेड़, जो जंगल का सबसे पुराना और सबसे सम्मानित पेड़ था, जिसने अनगिनत मौसम आते और जाते देखा था और जिसने समय के साथ बहुत कुछ सीखा था, ने स्ट्राइप्स और स्पीडी को बुलाया। वह जानता था कि इस दोस्ती में एक गहरा संदेश छिपा है। मेरे प्यारे दोस्तों, आप दोनों ने हमें एक महत्वपूर्ण सबक सिखाया है। आपकी दोस्ती हमारे जंगल के लिए आशा की किरण है। आपने हमें दिखाया है कि सच्ची मित्रता किसी भी बाधा को पार कर सकती है। आपने सभी को दिखाया है कि ताकत और बुद्धि एक साथ रह सकते हैं, और यह कि हम सभी को एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए, कि मतभेदों से डरना नहीं चाहिए बल्कि उनका जश्न मनाना चाहिए। यह दोस्ती हमें सिखाती है कि विविधता में ही हमारी ताकत है। स्ट्राइप्स और स्पीडी ने ध्यान से सुना। उनकी आंखों में कृतज्ञता और समझ की चमक थी। उनके दिल पुराने पेड़ की बुद्धि के लिए कृतज्ञता से भर गए। उन्होंने महसूस किया कि उनकी दोस्ती सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच के बंधन से कहीं बढ़कर थी। यह पूरे जंगल के लिए एकता और सद्भाव का प्रतीक था। यह एक ऐसा संदेश था जो सभी जानवरों के दिलों में गूंज उठा। यह पूरे जंगल के लिए एकता और सद्भाव का प्रतीक था। इस दोस्ती ने सभी को सिखाया कि सच्ची मित्रता और सम्मान से ही हम एक बेहतर दुनिया बना सकते हैं। सेक्शन 7, जंगल हार्मनी, ए नई शुरुआत। बुद्धिमान बूढ़े पेड़ के शब्दों से प्रेरित होकर स्ट्राइप्स और स्पीडी ने पूरे जंगल में दोस्ती और सहयोग का अपना संदेश फैलाने का फैसला किया। उन्होंने ऐसे खेलों और गतिविधियों का आयोजन किया जिससे सभी आकार और आकार के जानवरों को एक साथ काम करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। जल्द ही जंगल में कमैराडरी की एक नई भावना का गुंजन होने लगा। शिकारियों और शिकार, बड़े और छोटे, ने अपने मतभेदों को दूर रखा और एकता की शक्ति को अपनाया। जंगल, जो कभी भय और अनिश्चितता का स्थान था, शांति और सद्भाव के आश्रय में बदल गया। यह सब एक बाघ और एक हिरण के बीच असंभव दोस्ती के लिए धन्यवाद था। सेक्शन 8, स्प्रेडिंग द मैसेज जंगल से पारे। जंगल के परिवर्तन की बात उसकी सीमाओं से परे दूर दूर तक पहुंची। अन्य जंगलों और सवाना के जानवरों ने स्ट्राइप्स और स्पीडी से प्रेरित सद्भाव को देखने के लिए बहुत दूर से यात्रा की। यहाँ तक कि मनुष्य, जिन्होंने लंबे समय तक जंगल की सीमाओं का अतिक्रमण किया था, जानवरों की एकता से प्रभावित थे। उन्होंने महसूस किया कि जंगल केवल दोहन करने के लिए एक संसाधन नहीं था, बल्कि सम्मान और सुरक्षा के योग्य एक नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र था। स्ट्राइप्स और स्पीडी की कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही एक कहानी बन गई, जो इस बात की याद दिलाती है कि सबसे असंभव दोस्त भी जब एक साथ काम करते हैं तो असाधारण चीजें हासिल कर सकते हैं। सेक्शन 9, द लेगेसी कंटिन्यूज, फ्रेंडशिप का लिमिट नॉट एग्जिस्ट। साल द डिसियाटिलिटिया में बदल गए और दशक पीढ़ियों में बदल गए, लेकिन स्ट्राइप्स और स्पीडी की विरासत जीवित रही। जंगल शांति का आश्रय बना रहा, जहां सभी प्रकार के जानवर सद्भाव में रहते थे। उनके मतभेदों को ताकत के रूप में मनाया जाता था। युवा शावक और फौन बाघ और हिरण की कहानियों को सुनकर बड़े हुए, जिन्होंने दोस्त बनने की हिम्मत की, उनके दिल आशा और प्रेरणा से भर गए। उन्होंने सीखा कि सच्ची ताकत शारीरिक कौशल में नहीं, बल्कि विविधता को अपनाने और दूसरों के अद्वितीय गुणों का जश्न मनाने के साहस में निहित है। और इसलिए स्ट्राइप्स और स्पीडी की कहानी एक कालातीत क्लासिक बन गई, जो दोस्ती, सम्मान और समझ की शक्ति का प्रमाण है। सेक्शन 10, एपिलॉग, अनलाइकली फ्रेंडशिप्स के ई फॉर अ टोस्ट। जैसे ही सूर्य हमारी कहानी पर अस्त होता है, जंगल में एक गर्म चमक बिखेरता है। आइए हम असंभव दोस्ती के लिए एक टोस्ट उठाएं। दुनिया के स्ट्राइप्स और स्पीडीज को, जो हमें याद दिलाते हैं कि प्रतिकूलता का सामना करने पर भी आशा, हंसी और एकता प्रबल हो सकती है। हो सकता है कि उनकी कहानी आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहे, हमें याद दिलाती रहे कि हमारे चरित्र का सही माप हमारे मतभेदों में नहीं, बल्कि उन्हें अपनाने की हमारी इच्छा में है। क्योंकि जीवन की टेपेस्ट्री में ये विविधता के जीवंत धागे हैं, जो सबसे सुंदर और सामंजस्यपूर्ण पैटर्न बना